हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। अर्चना की उड़ान में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें हाथ जोड़ के मैं शुरू में ही कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके और मुझे बेल आइकन के साथ ही सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं अपना वीडियो डालूँगी वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो में जो भी कमी आप लोगों को लगेगा वो हमें बता सकते हैं कि हाँ आपकी वीडियो ये में ये कमी है, तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। ये आपसे मैं प्रॉमिस आप लोगों से करती हूँ कि मैं वो पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए, मैं एक अपने टॉपिक कहिए या हर लड़की के ये हो सकता है ऐसा घटना हुआ होगा, तो मैं ये सोची कि मैं अपनी कहानी आप लोगों से शेयर करती हूँ, और आप लोग जानेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना कष्ट एक लड़की झेलती है और कैसे रहती है। इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये कहानी सब जाने और ऐसे दुख ना सहे और किसी के साथ ये परेशानी नहीं आए, और खुदा ना करे किसी के परेशानी आए, तो मैं जहाँ तक होगा मैं मदद करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं उसको मदद करूँगी और शायद मुझे अच्छा लगेगा मदद करके। और एक लड़की जब जन्म लेती है तो बहुत ही उसके माता पिता जो भी होते हैं बहुत ही लाड़ प्यार से पालते हैं, और होता है माँ और पिता दोनों मिल के पालते हैं। और हमारे किस्मत में भी कुछ ऐसा ही था, मेरे मम्मी पापा मुझे पाले और पापा का प्यार काफ़ी हमें मिला, बहुत ज़्यादा, जितना मैं सोची नहीं थी या कोई सोचा नहीं होगा। पापा का प्यार हमें उतना मिला, पर मम्मी के प्यार में थोड़ी सी कमी थी, पर चलिए उसको इग्नोर करते हुए चलते हैं, उतना भी कमी नहीं था, फिर भी हाँ चल सकता था। लेकिन ससुराल आते हुए ही हमारे साथ तरह तरह की घटना होते चली गई, एक से एक हो गया। मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ जाके ख़त्म करूँ, ये हमें बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कोई शुरुआत ही मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि एक दिन की घटना अगर आप लोगों को मैं बता दूँगी तो आप लोग सोचेंगे ऐसा भी होता था। अभी मैं सोचती हूँ 12-13 सालों के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को झेल ली, मैं कैसे उस जगह से निकल के आ गए, ये सोच के मुझे खुद हैरानी होती है। तो सोचिए आप लोगों को कैसा लगेगा। और मैं बहुत ही कष्ट में थी, मैं तो 2 महीने से ज़्यादा ससुराल रुक ही नहीं पाती थी, इस तरह के हमारे साथ टॉर्चर हुआ करते थे। और फिर यहाँ से जाने के बाद मैं मायके जाती थी, कुछ परेशानियाँ वहाँ भी थी जिसकी वजह से मैं वहाँ भी नहीं रह पाती थी, फिर वहाँ से मैं यहाँ चली आती थी, वहाँ कुछ दूसरे लोग परेशान करते थे, यानी कि मेरे जो दादी या पटदार जो भी बोलिए वो लोग थे, वो लोग हमें परेशान करते थे कि शादीशुदा हो गए, या आस पड़ोस के जो भी लोग होते थे वो लोग कहते थे बेटी शादी के बाद मायके नहीं रहती है। इस टॉर्चर वहाँ हमें सहना पड़ता था, और यहाँ आते थे तो यहाँ ससुराल का टॉर्चर सहना पड़ता था, इसलिए हम कहीं एक जगह अपना समय बिता ही नहीं पाए। इसीलिए हम अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाए कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, अपने बारे में मैं कभी सोची ही नहीं। उसी दौरान ऐसा सा मेरे साथ घटना हुआ और हमारी बच्ची भी हो गई, इसकी वजह से बच्चे के लेकर के इधर उधर भागम दौड़ी के साथ हमारे साथ बच्चे जुड़ गए। तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है इसके ज़िंदगी के बारे में, इसके लिए सोचना पड़ा कि हमारे मम्मी पापा हैं तो हमको इतना कष्ट हो रहा है, अगर इसके नहीं होंगे तो इन लोगों को क्या होगा, ये सोच के फिर अपना मन को बहलाना और इसी समय मन लगाना, और कितने कष्ट से हम अपना जीवन यापन करें। अगर एक दिन की घटना मैं आप लोगों को सुना दूंगी तो शायद आप लोगों का दिल भर आएगा और सोचेंगे कि कैसे हुआ। चलिए मैं एक दिन की घटना अभी बता रही हूँ, ये सोच ही नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, पर हाँ एक बताती हूँ। जब मेरी बेटी जो थी मैं पेट में थी उस समय की घटना है, मुझे एहसास नहीं था कि ये मेरे
मेरे अंदर इसकी जान आ चुकी है और मेरा तबीयत कुछ डाउन रहने लगा। उसमें मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, तो मुझे फीवर रहती थी, तो मैं सोचती थी शायद वायरल फीवर है, मौसम का प्रभाव है, पर नहीं, मौसम का था नहीं, दवा मैं खाती थी तो उतर जाता था फिर चढ़ जाता था, इसी तरह होता था। और मेरी सास मम्मी तो अभी नहीं है, यानी मेरी माँ जी नहीं है, पर उनका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, पर इस घटना में अहम रोल उनका है, इसलिए मजबूरन उनसे मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ और कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे कहानी में वो तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उन्हीं से तो शुरू हुआ था मेरी कहानी। तो इसीलिए जो जहाँ कहीं भी हो वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं बताना चाहती हूँ, वो कहते थे काम करने की वजह से ये ऐसा करती है, पर ऐसा नहीं था। हाँ, सच में ये तो ज़रूर था कि मुझे काम करने का मन नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने मायके में उतना नहीं करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ भी अपने मन में बैठा के आई थी कि मैं हो सकेगा जितना काम करूँगी और मेरी मम्मी जो होगी यानी सासू माँ जो मिलेंगी वो मेरे मम्मी की तरह मुझे प्यार करेंगी। वाकई हम यही सोचते ही थे और हर लड़की सोचती है, और मैं इतना सोची थी कि मम्मी का कमी जो मेरे मायके में मिला था शायद मेरी सासू मम्मी से मुझे मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं, उतना भी नहीं दे पाई मेरी सासू मम्मी, उतना भी नहीं दे पाई। मैं सारा कुछ करती थी, उनका कपड़ा धोना, उनको अभी के दौर में कोई भी लड़की आती है शादी करके तो कुछ भी नहीं करती है, खाना भी सही से नहीं देती है। हम लोग के समय में खाना बना के, और हाँ, खाना पूछना पड़ता था क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, फिर पूछने के बाद तो वो बताती थी तो वही हम बनाते थे, फिर उनके बाद उनको खिला के, सभी आदमी को खिला के उसके बाद ही खाना था, पहले नहीं खाना था। और फिर जब खाना ख़त्म हो गया तो उनको अच्छे से दे दबाना पड़ता था, और जिस दिन आप दे नहीं दबाएंगे उस दिन तो आपका दे दबा दिया जाएगा डंडे से, इतने मोटे डंडे से। इसीलिए ये सब लोग सहे और सहते हुए आगे बढ़े। अब चलिए उस कहानी की तरफ ले चलते हैं, कैसे हमारा पता चला। जब ये एक दो महीने की रही होगी, उस समय में मैं काफ़ी फीवर में रहती थी, तो ऐसे ही लोकल में एक डॉक्टर थे, उनसे दवा दिलवाए, तो दवा दिलवाए तो वो 3-4 दवा दे दिए। और इतना मुझे सासू मम्मी इतना टॉर्चर करती थी, मेरी माँ जी इतना टॉर्चर करते थे, जो मैं कभी कभी तंग आ जाती थी। तो मैं क्या की, एक दिन मेरी गलती ये हो गई कि मैं सारे दवाई खा ली, जितना मुझे दवा मिला था 3-4 वो सारे मैं खा गई, कि शायद ऐसा खाने से जल्दी ठीक हो जाऊंगी ये सोच के, और कुछ परेशानी की वजह से मैं खा ली, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसमें हमें नहीं समझ था, पर मैं खा ली थी, ज़रूर खा ली थी, मैं गलती बहुत बड़ा गलती कर ली। और उसके बाद जब मेरा बुखार नीचे उतरने लगा तब मुझे उल्टियाँ जैसी महसूस हुआ, फिर मम्मी से जाके बोले माँ जी लगता है मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं दवा खा ली हूँ। तो बोले कौन सा दवा खाई है, तो मैं बोली बुखार का दिया था 3-4 मेरे पास था वो मैं खा चुकी। तो बोले एक बार में, बोले हाँ। फिर डॉक्टर को बुला, उन्होंने फिर गर्म मतलब सुई वगैरह दवा जो भी था वो दिया, उससे कुछ नुकसान मुझे नहीं हुआ, पर कहीं अंदर में अंदर हुआ होगा ये हमें नहीं पता, पर उसमें नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं जस्ट बता दी थी 10 मिनट के बाद में बता दी मुझे जैसे बेचैनी जैसे कुछ हुआ तो मैं बताई, तो फिर वो दवा ला के मुझे दे दी। फिर मेरी माँ जी गुस्सा से और मुझ पर अत्याचार करने लगे, ये करो वो नाप के मतलब सब्जी वगैरह देती थी और कहती थी इतना ही में हो जाएगा, इस तरह का टॉर्चर होते रहा मेरे साथ, फिर भी मैं बर्दाश्त करते रह गई, किसको बताती, मेरी मम्मी से उतना अटैच था नहीं, पापा को मैं कैसे बताती, ये सारे बातें तो लोग मम्मी से शेयर करती हैं, पर मम्मी मेरी उस ढंग की थी नहीं जो मैं शेयर कर पाती, क्योंकि वो खुद परेशान रहती थी, इसलिए कुछ स्वास्थ्य के कारण कुछ अपने परिवार से, इसी वजह से मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती थी, इसीलिए मम्मी के साथ मैं ज़्यादा अटैच नहीं रह पाई। और इसी तरह मेरा समय कटते गया और फिर ज़्यादा हो जाता था तो मैं मम्मी को बोलती थी कि अब मम्मी हम आएंगे, मेरा मन यहाँ नहीं लगता, तो पापा जी आते थे और मैं चली जाती थी। इसी तरह दौरान हुआ और बहुत ही दर्दनाक घटना हो गया मेरे साथ, जब ये दवा खाने के बाद
कुछ ऐसा माहौल हमारे घर का बना जो मुझे बहुत मार लगा। और क्यों लगा मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी, और किस तरह से लगा और कौन मेरा सपोर्ट किया और मैं कैसे निकल के यहाँ से गई, ये जरूर जानने के लिए हमारे वीडियो पर जुड़े रहिए। और मैं प्रूफ अगर आप मांगेंगे तो मैं प्रूफ तो कुछ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये तो आप जान लीजिए मैं इस चैनल पे बोल रही हूँ, इस वीडियो बना रही हूँ, तो सच्चाई ही बोलूंगी, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे आस पड़ोस के मेरे जानने वाले भी जुड़े हैं, तो मैं झूठ कैसे बोलूंगी ये आप लोग ये समझ सकते हैं। और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा और हमारा कहानी पूरा से पूरा जानिएगा, कितने कष्ट में मैं थी और कैसे निकल के बाहर आई, इसलिए हिम्मत नहीं हारिएगा। जितने भी लोग इस चैनल पे जुड़े होंगे और कष्ट जिनको भी कष्ट होगा वो कष्ट से भागेंगे नहीं, क्योंकि एक न एक दिन जरूर आपका विजय होगा और आप इस चीज से निकल के बाहर जरूर निकलिएगा, क्योंकि मैं निकली हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसलिए शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। बाय बाय, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।